यार ये बात तो माननी पड़ेगी कि आज हम Xiaomi को कुछ भी बोले लेकिन जो स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन होता है यार वो सिर्फ Xiaomi की वजह से ही शुरू हुआ था इंडिया के अंदर। क्योंकि अगर इंडिया में Xiaomi नहीं आती ना तो सस्ते में स्मार्टफोन आते ही नहीं, सस्ते में कभी 4G स्मार्टफोन आपको देखने को नहीं मिलते। और आज भी मैं जानता हूँ कई सारे लोगों का जो पहला एक फोन था ना वो लिटरली Xiaomi का ही फोन था। कई लोगों ने Redmi 1S लिया, कई लोगों ने पहले Redmi Note लिया, Redmi Note 3 काफी पॉपुलर था, Note 4, Note 5, Note 6 इतने तगड़े तगड़े फोन Xiaomi ने निकाल लेते और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आते थे। और ये वो जमाना था जब लोग Xiaomi की फ्लैश सेल का भी इंतजार करते थे और पहला फोन आते ही लोग उसके ऊपर झपट पड़ते थे। लेकिन बात करें तो 2025 में कहानी काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो चुकी है। अगर मैं बात करूं इंडिया में तो हां, Xiaomi जहां एक टाइम पे इंडिया में रूल किया करता था, नंबर वन हुआ करता था, सीधे 7th पोजीशन पर यहां पर आ गया। लेकिन बात की जाए तो अक्सर हम Xiaomi को सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, लेकिन जब मैं ग्लोबल लेवल पे जाता हूं तो Xiaomi कहानी बिल्कुल ही अपोजिट हो जाती है। आज के समय में Xiaomi टॉप 3 स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स में से ग्लोबली, चाइना में लोग बहुत अच्छा करते हैं, इनकी लाइका के साथ पार्टनरशिप है, लिटरली Xiaomi बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है चाइना के अंदर और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। इवन यूरोपियन मार्केट के अंदर भी Xiaomi धीरे धीरे अपनी स्ट्रांग पोजिशन यहां पर दिखा रहा है। इसके साथ ही Xiaomi ने इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले सेगमेंट में भी यहां पर कूद गया है और उनकी SU7 जो Xiaomi ने अपनी इलेक्ट्रिक कार अनाउंस करी थी 2021 में, 2024 में लॉन्च भी करके 1.5 लाख उनकी डिलीवरीज यहां पे कर दी। ये बहुत बड़ा नंबर। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, Xiaomi जैसी कंपनी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है। यहां तक कि ये एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक लिस्टेड है, जो इसका कॉम्पिटिशन में ब्रांड है BBK के बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो 2023 में BBK को डी रजिस्टर कर दिया गया और चाइना में ऑन रिकॉर्ड BBK इलेक्ट्रॉनिक्स अब एग्जिस्ट करता ही नहीं है, उसकी जगह ओप्पो वीवो इंडिपेंडेंटली यहाँ पे काम करती है। लेकिन हाँ, वो भी यहाँ पे पब्लिक लिस्टेड कंपनीज नहीं, वो भी प्राइवेटली हेल्ड है, इसलिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन के बारे में निकल नहीं पाती। लेकिन Xiaomi के बारे में बात ये कि Xiaomi आज भी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में यहाँ पर आकर बैठी हुई है। और एक इंटरेस्टिंग बात ही लगती है मेरे को, जहाँ ओप्पो बात करे, वीवो बात करे, ये ऐसी कंपनीज जो आज भी स्मार्टफोन पे हेवीली फोकस्ड है, लेकिन Xiaomi एक ऐसी कंपनी जिसने स्मार्टफोन पर तो फोकस किया लेकिन अपने बिजनेस को बहुत स्मार्टली बहुत अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई किया, इवन इंडिया और ग्लोबल मार्केट के अंदर भी। जैसे कि कार्स वगैरह निकालना तो शुरुआती काम था, लेकिन एक इंटरेस्टिंग काम था जब Xiaomi की शुरुआत हुई थी आज से 15 साल पहले Xiaomi ने शुरुआत करी थी कस्टम रोम से, MIUI ये लोग बनाते थे। हालांकि आज MIUI बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन यही Xiaomi का जो कोर था वही निकल कर आया। इसके बाद उसने अपने फोन्स निकाले और पहले दिन से जो मोबाइल फोन्स थे उसके अंदर स्पेशलिटी ये रखी थी कि हम ज्यादा से ज्यादा स्पेसिफिकेशन अपने मोबाइल फोन के अंदर डालकर देंगे, और इस वजह से उनके मोबाइल फोन शुरुआत में बहुत ज्यादा बिके। इवन 2014 में जब Xiaomi इंडिया में आई थी तो पहला फोन था Mi 3 जो हाथों हाथ यहां पर बिका। उसके बाद Redmi के फोन्स आए और भी ढेर सारे फोन्स निकाले, जिस कारण से Xiaomi मार्केट के अंदर तेजी से नंबर वन बनती चली गई। क्योंकि Xiaomi के साथ बात यह थी कि अफोर्डेबल प्राइस में आपको बेस्ट पॉसिबल चीज देंगे। हालांकि ये चीज आज भी उनकी ट्रू है, बस मोबाइल फोन स्पेस में थोड़ा दिखता नहीं है, लेकिन बाकी जगह ये लोग यही चीज को फॉलो करते हैं। चाइना के अंदर जब उन्होंने अपनी कार निकाली उस प्राइस के अंदर चाइनाज मार्केट के अंदर भी कोई कार आपको देखने को नहीं मिलती, इस वजह से वो सक्सेसफुल हुई थी। इवन इंडिया में भी अगर जब Xiaomi ग्रो कर रही थी तो उन्होंने मल्टीपल फोन्स निकाले, तभी पहले Redmi सीरीज आती थी, नोट सीरीज आती थी, MI की सीरीज आती थी, यहां तक कि फिर बाद में Mi ब्रांडिंग को चेंज करके Xiaomi लेकर आ गए और आज के समय में poco भी आपको देखने को मिलता है। और ये लोग अपनी अपनी जगह का अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बात है कि हमने अक्सर इसे मोबाइल फोन स्पेस के साथ ही देखा है। कई सारी चीजें ऐसी थी जो Xiaomi ने इंडिया में पहली बार करी थी। जैसे की बात करें, Xiaomi इंडिया के अंदर पहली बार जो फिटनेस बैंड कैटेगरी वो इंट्रोड्यूस किया था, हालांकि स्मार्ट वॉच वाला जो मार्केट होता है वो बाद में चल के बदल गया। इसके साथ ही यहाँ पर ये भी बता सकता हूँ कि यहाँ पे Xiaomi ने टीवी वाले बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से रिवोल्यूशनाइज किया। आज भी इंडिया में देखा तो सबसे ज्यादा स्मार्ट टीवीज बेचता है और एंड्रॉइड पावर्ड जो स्मार्ट टीवीज होते हैं वो लिटरली Xiaomi के बहुत ज्यादा पॉपुलर है मार्केट में, वो वहां पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसके साथ ही बात करें तो अगर मैं ग्लोबल लेवल पे बात करूं तो Xiaomi का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे एक से एक IoT वाले इकोसिस्टम वाले प्रोडक्ट बनाते हैं, ये लोग इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी बनाएंगे, ये लोग यहाँ पे अपना वैक्यूम क्लीनर भी निकालेंगे, वाटर प्यूरिफायर निकालेंगे, सारा एक्सेसरीज ये लोग यहाँ पर निकालते हैं। इसके साथ ही TWS वायरलेस ईयरफोन्स भी लोग बहुत सारे निकालते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि Xiaomi नई टेक्नोलॉजी नई नई चीजें ट्राई नहीं करता है। देखो Xiaomi ने बहुत सारे क्रेजी कंसेप्ट और बहुत नई नई चीजें ट्राई करी। इवन ये भी बता सकता हूँ कि Xiaomi का जो 50% वर्क फोर्स होता है ना वो लिटरली R&D वगैरह के अंदर काम करता है, जिसके अंदर वो कार भी बना रहे हैं, मोबाइल फोन भी बना रहे हैं, हाइपर OS भी बना रहे हैं,
टीवी भी बना रहे हैं, सारी चीजें। और देखा जाए तो इंडिया के अंदर अभी थोड़ी हालत खराब है, लेकिन अगर ये अपनी पुरानी फिलॉसफी पे थोड़ा बहुत वापस आ गए, थोड़ा सा एग्रेसिवनेस दिखा दी, नंबर वन बनने से कोई नहीं रोक सकता फिर से, क्योंकि Xiaomi की आज भी एक बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू बनी हुई है मोबाइल फोन स्पेस में, लेकिन बाकी जगह भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ ही एक इंटरेस्टिंग चीज देखी कि Xiaomi के जो मोबाइल फोन थे वो भी बहुत बेटर तरीके से इवॉल्व हुए। जहां पहले मोबाइल फोन के अंदर एक टाइम पे बहुत ज्यादा दिक्कतें भी थी, सारी की सारी चीजें टाइम टू टाइम फिक्स करते रहे और धीरे धीरे प्रोडक्ट को और ज्यादा बेटर यहां पर बनाते गए। इवन देखा तो आज के समय Xiaomi 15 अल्ट्रा है, जो लाइका के कैमराज आते हैं वो इंटीग्रेट करके ला रहे हैं, आने वाले समय में फोल्डेबल भी Xiaomi ट्राई कर सकता है। इसके साथ ही Xiaomi तो इनोवेटिव प्रोडक्ट निकालता है, जैसे कि Xiaomi ने अपने एक Xiaomi बड्स निकाले जो कि वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होता है, एक्सपेंड टेक्नोलॉजी क्वालकॉम का यूज करते हैं, यानी कि नॉर्मली एक ब्लूटूथ के थ्रू आपको मोबाइल फोन से एक ईयरफोन प्रिपेयर होगा ना, ये वाईफाई का यूज करके होगा, जिससे आप लॉसलेस ऑडियो भी यहाँ पे सुन पाएंगे। इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती है। और हाँ, यहाँ पे ये लोग अपना मीमिक्स सीरीज भी निकाली थी, इसके साथ ही कर्व डिस्प्लेस के साथ इन्होंने फोन्स निकाले, सिलिकॉन बैटरीज के साथ कंसेप्ट भी काम कर रहे हैं और भी ढेर सारी चीजें काम करते रहते हैं। और एक अच्छी बात बता रहा हूँ Xiaomi के साथ क्या, कि बाकी जितनी भी कंपनीज है ना सोली फोकस करती है आपके स्मार्टफोन्स के ऊपर। देखो सिंपल सी बात है, टॉप कंपनीज में Xiaomi, ओप्पो, इनका जो प्राइमरी बिजनेस है वो फोन ही है, फोन ही ये लोग बनाते हैं, फोन से ही ये लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाते हैं। इवन Realme जैसी कंपनीज ने भी Realme टीवी निकाले, OnePlus ने टीवी निकाला था, वो उनके चले नहीं, वो बंद कर दिए। यहाँ पर ये कंपनी साथ दिक्कत है, कल को स्मार्टफोन बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो इनके पास फॉल बैक करने के लिए कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, जो चीज इन्हें इस समय तक क्रिएट कर लेनी चाहिए थी। Xiaomi के पास क्या है कि अगर Xiaomi को स्मार्टफोन बिजनेस से धक्का मिलता है तो उनका टीवी बिजनेस संभालने के लिए, इसके साथ ही इनके पास दूसरी कंट्रीज में बिजनेसेस हैं, इसके साथ ही ये लोग अपनी कार बनाते, ईवी बिजनेस है, तो बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन है। और ये चीज देखा तो सिंपल सैमसंग और नोकिया जैसी कहानी है। नोकिया एक जमाने में पेपर मिल का नाम हुआ करता था, फिर ये लोग कार के टायर बनाते थे, फिर ये लोग मोबाइल फोन बनाने लगे, फिर 2000s में इनके मोबाइल फोन बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगे और 2011 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर विंडोज फोन निकाला। लेकिन बाद में इनकी क्या इतनी मोबाइल फोन की कहानी इतनी ज्यादा चली नहीं, इस तरीके से मोबाइल फोन का जो बिजनेस होता है माइक्रोसॉफ्ट को बेचा और खुद ये लोग टेलीकम्युनिकेशन उसके अंदर ये लोग काम करने लगे और इस वजह से नोकिया आज भी सर्वाइव करती है और आज भी प्रॉफिटेबल है और आज भी बहुत अच्छा करती है। भले ही उसके प्रोडक्ट कंज्यूमर डायरेक्टली यूज ना कर पाए, लेकिन इनडायरेक्टली वो मार्केट में अभी भी है। सेम चीज Xiaomi ने भी ऐसा किया जो उनको आने वाले समय बचा सकती है। सैमसंग भी यही काम करती है, एक से एक प्रोडक्ट बनाती है, बहुत सारे काम करती है, तो सैमसंग भी यहाँ पे टिकी रहेगी। लेकिन ओप्पो, वीवो, ये जो पूरा बीबीके वाला जो ग्रुप की कंपनीज है, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसके साथ ही Xiaomi के साथ ये देख कहना चाहूंगा कि हाँ, हर जगह उन्हें सक्सेस नहीं मिली, उन्हें काफी ज्यादा फेलियर भी महसूस करना पड़ा है। जैसे कि Xiaomi ने याद एक टाइम पे अपने मी नोटबुक निकाले थे, यार वो प्रोडक्ट कैटेगरी अच्छी थी, वहां पे वो लोग बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन यार वो भी मार्केट में लूज करते चले गए। आज भी Xiaomi जो है ना वो चाइनीज मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट लाती है और Xiaomi इंडिया के साथ यही एक रिक्वेस्ट है, आप ये बहुत सारे प्रोडक्ट लाते हो, बहुत सारा काम करते हो चाइनीज मार्केट में, लेकिन वहां पे कई सारे एक्साइटिंग ऐसे प्रोडक्ट है जो इंडिया मार्केट को बहुत तेजी से रिवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। आज के समय में IoT का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ा है, आज के समय में लोग चाहते हैं कि उनका फैन, उनका AC वाईफाई से कनेक्टेड हो। आज के समय में टेक्नोलॉजी में भी चेंज आया, लोगों का परसेप्शन भी बदला, लोग भी नई नई चीजें ट्राई आउट करना चाहते हैं और कई सारे लोग ऐसे जो Xiaomi के ऐसे प्रोडक्ट्स भी लेना चाहते हैं जो बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू और हाई एस्पिरेशनल हो, तो ये कुछ चीजें भी यहाँ पे चल सकती है। इसके साथ ही बात यह कि Xiaomi को ना इंडिया में अगर 7th पोजीशन से दोबारा से फर्स्ट पोजीशन पे जाना है ना, तो कुछ कमबैक यहाँ पे करना पड़ेगा। कमबैक करने के लिए बात यह कि यहाँ पे आप है ना एडवर्टाइजिंग से ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करो, प्रोडक्ट को ही कैसा बना दो कि मार्केट में जैसे एक टाइम पे लोग Redmi Note के लिए बात करते थे ना, वैसे बात करने लगे। कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी, हार्डवेयर में स्पेसिफिकेशन देनी पड़ेगी या फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करनी पड़ेंगी और प्रोडक्ट के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज डालने पड़ेंगे, यानी कि कुछ ऐसा चीज जो मार्केट को बिल्कुल ही हिला के रख दे। इसके साथ ही Xiaomi के साथ पहले एक बात ये थी, वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते थे और आज भी अगर Xiaomi अगर थोड़ा लेट होने की वजह फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले, वो बात सही हो सकती है। और Xiaomi ने पिछले साल है ना अपना पोर्टफोलियो स्लिम करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही छोटा कर दिया। मार्केट है ना आज के समय में बदल रहा है और मार्केट को ना आज के समय में अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा बेटर करे तो एक और अच्छी चीज है। और हाँ, फ्लैगशिप किलर वाली स्ट्रेटेजी जो है ना आज भी Xiaomi दोबारा से पकड़ना चाहे तो पकड़ सकता है। पोको के साथ यही किया,
पोको धीरे धीरे फ्लैगशिप किलर वाली रेस में वापस जा रहा है और F1 जिस चीज के लिए जाना चाहता था ना वो चीज अभी दूसरे फोन के साथ ट्राई कर रहा है, चाहे पोको का F7, चाहे पोको का F6 हो, X7 Pro या अपकमिंग F7 अल्ट्रा, F7 Pro को भी इंडिया में लाने का प्लान चल रहा है। तो यार ये भी एक चीज है, मेरे को लगता है कि पोको से वो वाला मार्केट ये लोग कैप्चर कर सकते हैं और शाओमी देखा जाए तो अपने आप को थोड़ा मेन स्ट्रीम ले जाके बहुत ही अच्छा यहाँ पर खेल सकता है, बस प्रोडक्ट कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पर निकाल सकता है, तो वो एक चीज रहेगी यहाँ पे। ओवरऑल बात करें तो शाओमी के साथ बात यह कि अगर पुराने वाले फॉर्म में वापस आएगा दोबारा से नंबर 1 बन सकता है, नहीं रहेगा तो शायद इसी पोजिशन पर यहाँ पे खेलता रहेगा। और हाँ सिंपल सी बात है कि आप चाइनीज मार्केट या ग्लोबल मार्केट में जो एक्सपेरिमेंट जो नई नई चीजें करते हो ना इंडियन मार्केट भी वो डिजर्व करता है और इंडिया में अगर वो सारी चीजें आएंगी तो और बेटर रहेगा। ये कुछ फीडबैक था कंपनी के लिए। बाकी प्रोडक्ट को लेके कहूंगा कि कुछ प्रोडक्ट्स इनके आएंगे, कुछ प्रोडक्ट्स इनके बिकेंगे भी मार्केट में। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोग को Xiaomi के फोन आज के समय में कैसे लगते हैं और पहले कैसे लगते थे नीचे कमेंट में। थैंक यू बने रहने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।